बबलू डब्लू पार्क का एक और सुहाना दिन। देखते हैं बच्चे आज क्या करेंगे। ठीक है बच्चों, आज हम सारी जगह की सफाई करेंगे। तो हम क्या करेंगे? हम सफाई करेंगे। मिस बैनर्जी, मेरे लिए रुकिए, मैं भी सफाई करूँगा। निकू भी हमारे साथ है। चलो बच्चों, सब मिलकर शुरू करो। वो क्या है? ये किसका हो सकता है? जरा इन खिलौनों की तरफ तो देखो। बड़ी, ये क्या हो रहा है? मैं कब से इसे ढूंढ रही थी। वो मेरा जहाज है। ये तो मेरे पुराने पत्थर की तरह दिख रहा है। जरा मैं देखूं। हम भी तो जरा देखें। हाँ राजकुमार। सुनो दोस्तों, ये हमारे पुराने खिलौने हैं। पर ये यहाँ पर क्यों है? मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने सोचा खिलौने की ईंट मैंने खो दी। ये देखो, ये मेरी पुरानी फेवरेट फुटबॉल है। मिस बैनर्जी। बच्चों, हमारे पास पुराने खिलौनों के लिए ज्यादा जगह नहीं है। क्या तुम सब अपने खिलौने घर लेकर जाओगे? पर मिस बैनर्जी, हमें नहीं लगता कि हम इन खिलौनों के साथ और खेलना चाहेंगे। हाँ, हम इसके साथ अभी नहीं खेलेंगे। मैं समझ गई, अब तुम्हें इनकी जरूरत नहीं। पर ये दुख की बात है कि इनसे कोई नहीं खेलेगा। चलो इसका कोई हल निकालते हैं। मुझे पता है, हम ये खिलौने उन्हें दे सकते हैं जिनके पास नहीं है, और वो भी इन खिलौने से खेल सकेंगे। ठीक है निकू, मैं चाहती हूँ कि तुम सब मिलकर इस काम में मदद करो। बच्चों, ये खिलौने बहुत ही गंदे हैं। इन्हें किसी को देने से पहले अच्छी तरह साफ करना होगा। चलो, अब ये साफ हो गए। वाह दोस्तों, ये नया जैसा दिख रहा है। पर हम इन्हें बांटेंगे कैसे, बताओ मुझे। मैं समझ गया, उस डमरू के पास एक भी खिलौना नहीं है, तो हम ये सब खिलौने उनको दे सकते हैं। हाँ। हमारे पास आपके लिए कुछ है। तुम्हें मुझे तोहफा देने की कोई जरूरत नहीं है बड़े। यहाँ देखो कुछ डमरू। हमारे पास ये पुराने खिलौने और हम आपको तोहफे में दे रहे हैं। ये सच में बहुत प्यारा है, लेकिन मुझे इसकी जरूरत नहीं है। क्यों नहीं? आखिरी बार जब मैं आपके घर आया था तो मैंने वहाँ एक भी खिलौना नहीं देखा। ओ बच्चों, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। मेरी उम्र खिलौनों से खेलने की नहीं है, लेकिन तुमने मेरे बारे में सोचा, इसके लिए बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं। अब हम क्या करेंगे, बताओ। मुझे पता है, हमें ये बबलू डब्लू पार्क के दोस्तों को देने चाहिए। ये बिल्कुल सही है। ये हो गया। इसे देखकर पता चलेगा कि खिलौने कहाँ पर हैं। सुनो दोस्तों, देखो सारे पोस्टर्स लग गए। बहुत अच्छा निकला। छोटे, अब हम चल सकते हैं। बड़े, तुम आराम करो, यहाँ से हम संभाल लेंगे। ठीक है। इसका क्या मतलब है निकू? ये सब किसके लिए? ये आसान है, इसका मतलब ये है कि हम फ्री में खिलौने दे रहे हैं। मुफ्त के खिलौने, आओ अंदर ले जाओ, आ जाओ अपना।
अरे सुनो, क्या तुम खिलौने लेने आए हो? ले जाओ। उन्हें आकर्षित करने की जरूरत है। चलो कुछ खेल करते हैं, ठीक है? कैप्टन छोटे, बचाव के लिए। पायलट छोटे, पीछे जाओ। नहीं, पीछे जाओ। हार मान जाओ। और देखो हमारा खिलौना। मैं तुम्हें बहुत मजेदार है। देखो, यहाँ पर कितने सारे खिलौने हैं। तुमने सही कहा। और ये बिल्कुल मुफ्त में है। प्लेन और कार। और ये बॉल। तुम्हें जो चाहिए तुम ले जा सकते हो। ये सही कह रहा है, अपने पसंद का ले लो। नहीं, हमारे पास सारे खिलौने हैं। चलो फिर मिलेंगे। ठीक है, फिर मिलेंगे। मेरे ख्याल से ये खिलौने किसी को भी पसंद नहीं आए हैं। किसी को ये नहीं चाहिए। अब हम क्या करेंगे? ये हमारे देश के नेता झूठे वादे करना कब बंद करेंगे? अरे प्यारे बच्चों, तुम लोग इतने उदास क्यों हो? क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूँ तुम्हारी, बताओ? हम ये खिलौने मुफ्त में देना चाहते हैं, पर कोई लेना नहीं चाहता। उस जमरू को भी ये नहीं चाहिए और ना ही किसी और बच्चे को। मिस्टर बंता, तो हमें नहीं पता हम इनका क्या करेंगे। मुझे जरा सोचने दो। ओ हाँ, जरा एक मिनट रुको। यही कहीं था। ये तुम्हारे लिए मेरे पास एक अच्छी खबर है बच्चों। देखो, इसमें लिखा है कि यहाँ से कुछ ही दूर पर एक जगह है। उस जगह का नाम है सनशाइन पार्क। वहाँ के बच्चों को खिलौनों की बहुत जरूरत है और इसीलिए उन लोगों ने पेपर में इश्तिहार दिया है ताकि सब लोग जान जाए उन्हें खिलौने चाहिए। ये तो कमाल है, हम उन्हें ये खिलौने दे सकते हैं। मदद से खिलौने बाहर नहीं गिरेंगे। हो गया। आज खुश तो बहुत हो गए तुम। हाँ मिस बैनर्जी, आपको पता है हमें हमारे खिलौनों के लिए जगह मिल गई। मिस्टर बंदा की मदद से उन्होंने हमें एक जगह के बारे में बताया जहाँ खिलौनों की जरूरत है, तो हमने तय किया कि हम अपने सारे खिलौने उन्हें दे देंगे। हे दोस्तों, एक और बात। हम आ रहे हैं। सनशाइन किंडरगार्टन के प्यारे दोस्तों, ये खिलौने हमारी तरफ से तोहफे हैं। हमें लगता है कि आपको पसंद आएंगे। तुम्हारे दोस्त निकू, छोटे और बड़े की तरफ से। तुम सब मजे करना। हो गया, तैयार है? ये तो बहुत ही अच्छा है। जल्दी हमारे पुराने खिलौनों से कोई खेलेगा। छोटे और नीकू, मैं सोच रहा हूँ कि हमारे खिलौने दोस्तों तक पहुँचे होंगे कि नहीं। बस शांति रखो, उन्हें जरूर मिल गए होंगे। मैं शर्त लगाता हूँ उन्हें बहुत पसंद आएंगे। मेरे ऑफिस में तुम्हारा लेटर आया है, जाकर देख लो। ये जरूर सनशाइन स्कूल का जवाब होगा जिन्हें हमने लिखा था। चलो ठीक है, देखते हैं। मेरे लिए रुको। ये रहा। जल्दी खोलो ना, खोलो ना। हाँ खोलता हूँ। यारे निक्कू, छोटे और बड़े, बहुत शुक्रिया खिलौनों के लिए, हमें बहुत पसंद आए। मुझे देखने दो, मुझे देखने दो। देखो दोस्तों, देखो उन्हें सबको खेलते हुए। ये वो अपने खिलौने के साथ कितने खुश लग रहे हैं। हाय दोस्तों, क्या तुम्हारे पास पुराने खिलौने हैं? याद रखो, तुम उन्हें दूसरों के साथ बांट सकते हो। अगली बार मिलेंगे, बाय। बबलू डब्लू पार्क में कक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। देखते हैं आज बच्चे क्या सीखते हैं। एक समय की बात है कि एक नन्हा खरगोश अपने घर में बिल्कुल अकेला था, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। जब उसने दरवाजा खोला, एक भेड़िया उसको निगल गया। लंगूर, डरने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक है। बड़े, उदास होने की जरूरत नहीं है, ये समझना जरूरी है, ठीक है? बताओ बच्चों, अगर कोई अजनबी तुम्हारे दरवाजे पर आकर दस्तक दे तो तुम क्या करोगे? मुझे पता है,
पूछिए कोच। तो ठीक है मंगू तुम बताओ। इसी बड़े को खोलने बोलूंगा। अगर घर में कोई बड़ा ना हो तो तब मुझे खुद दरवाजा खोलना होगा। नहीं अगर बाहर दरवाजे में कोई बुरा आदमी खड़ा हो तो वो तुम्हें खा जाएगा। तब मुझे क्या करना चाहिए? तो कोच डमरू हम क्या करेंगे? याद रखो बच्चों, अगर घर पे कोई बड़ा नहीं है तो अजनबी के लिए दरवाजा कभी मत खोलना। सुरक्षा पहले आती है, समझ गए तुम सब? कल तुम आ रहे हो ना? देर मत करना। बाय। पता करना होगा कि बच्चों ने कितना सबक सीखा है। सुनो बच्चों, जब मैं घर में नहीं होंगी अपना ख्याल रखना। हाँ मम्मी, ठीक है। ठीक है तो मैं चलती हूँ। बाय। बाय मम्मी। क्या उन्हें कुछ शक हुआ है? नहीं पता। कोच डमरू, आप उनका टेस्ट कैसे लेंगे? मैं इस मूछ का इस्तेमाल करके उन बच्चों के सामने अजनबी की तरह जाऊंगा और फिर पता चलेगा कि वो क्या करते हैं। अच्छा प्लान है, गुड लक। छोटे बड़े, मंगू आ गया। मैं आ रहा हूँ। दोस्तों, रास्ते में मैंने आते वक्त कुछ देखा। ऐसा क्या देखा तुमने, बताओ हमें। मैंने कुछ अजीब सा देखा। वो हाथी जैसा पड़ा था। हाथी की तरह? पर उसका चेहरा तुम लोगों के जैसा था। उसकी काली मूछें थी, लाल स्कार्फ के साथ बड़ी सी कॉटन की जैकेट और हाथ में फलों की टोकरी भी थी। मैं उससे बचने की कोशिश कर रहा था इसलिए आने में देर हो गई। वो आ गया। वो जाना पहचाना लगता है, वो छुप क्यों रहा है? मुझे नहीं पता। बाल बाल बचा मैं। कोई बात नहीं, लेकिन आज मौसम कुछ ज्यादा ही गर्म है। तो फिर इसने इतने कपड़े क्यों पहने हैं? अजीब बात है। हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग? ये हमारी तरफ आ रहा है। अब हम क्या करेंगे? एक काम करते हैं, हम दरवाजा बंद कर देते हैं, वो अंदर नहीं आ पाएगा। हाँ। इसे घुमाओ। ये बच्चे तो वाकई में बहुत समझदार हैं। मैं थक गया। हेलो बच्चों, वो क्या है कि बाहर बहुत गर्मी है, क्या मैं अंदर आके थोड़ा आराम कर सकता हूँ? नहीं, हम तुम्हें नहीं जानते, तुम एक बुरे आदमी हो सकते हो। मैं कोई बुरा आदमी नहीं हूँ, मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ, बहुत थक गया हूँ, प्यास भी लगी है मुझे, क्या मैं अंदर आके थोड़ा पानी पी सकता हूँ? छोटे, वो मुझे सच्चा लगता है, क्या हम उसे अंदर ले ले? मान जाओ बच्चों, मुझे बहुत प्यास लगी है। नहीं, हम इसे घर में नहीं ले सकते, मम्मी घर पे नहीं है। पर मुझे लगता है उसे थोड़ा सा पानी चाहिए। पर कोच डमरू ने कहा था कि हमें अजनबी को घर के अंदर नहीं लेना चाहिए। मैं खड्डा खोद कर तुम्हारी मम्मा को ढूंढ कर जल्दी से लेकर आता हूँ। ओ बच्चों, सच में प्यास लगी है मुझे। हाँ
प्यारे बच्चे तुम छुपा छुपी खेलना चाहते हो मुझसे? मंगू, मंगू, वापस आओ। सुनो बच्चों, मैं कोई बुरा आदमी नहीं हूँ। चले जाओ, तुम बुरा आदमी हो। तुमने मंगू को पकड़ना चाहा। मैं तुम्हारी मम्मी को जानता हूँ। वो अक्सर मुझे बताती कि उनके दो बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे हैं। एक का नाम छोटे है और एक का नाम बड़े। सही कहा ना? और मुझे ये भी पता है कि छोटे को फुटबॉल पसंद है और बड़े को शहद पसंद है। तुम्हारी मम्मी ने मुझे बहुत सारी बातें बताई हैं तुम्हारे बारे में। उन्होंने तुम्हें क्या बताया? उन्होंने कहा तुम दोनों बहुत ही अच्छे बच्चे हो। छोटे तो खास तौर पर बहुत समझदार है। और मेरे बारे में? तुम्हारे बारे में भी बहुत कुछ बताया है। पहले मुझे अंदर आने दो, फिर मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। मंगू, ये सही में मम्मी का दोस्त है। चलो उन्हें अंदर बुलाते हैं। रुक जाओ, मम्मी ने हमें बताया कि उन्हें की कोई मेहमान आने वाला है। बच्चों मुझे अंदर आने दो। बच्चों देखो, मैं तुम्हारे लिए ताजे फल लेकर आया हूँ। खुशबू अच्छी है। छोटे, हम उन्हें अंदर बुलाते हैं। मम्मी ने अजनबी से खाना लेने मना किया है और कोच डमरू ने भी हमें यही बात सिखाई है, जब तुम घर पे अकेले हो। कि सच में तुम मुझे अंदर नहीं आने दोगे? मैं तुम्हें नहीं जानता, माफ करना, तुम अंदर नहीं आ सकते। बहुत बढ़िया, तुम बच्चे बहुत समझदार हो। कल मैंने तुमको जो सिखाया था तुमने अच्छी तरह समझ लिया है। वो हमें पकड़ लेगा। बड़े से नीचे करो। अरे बच्चों, तुम सब कहाँ हो? मैं तो बस तुम्हें शाबाशी देना चाहता हूँ। ये बच्चे तो सच में बहुत ताकतवर भी हैं। चलो भी बच्चों, अब छुपने की जरूरत नहीं है। मैं हूँ घोष डमरू। तुम झूठे हो। पहले तुम मम्मी के दोस्त बने और अब तुम घोष डमरू बन गए हो। ये सही कह रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है बच्चों, मैं कोच डमरू हूँ। मुझे तुम पर विश्वास नहीं। मैंने अपनी मूंछ तो निकाली ही नहीं। देखो बच्चों, अब डरने की जरूरत नहीं है, मैं सच में कोच डमरू हूँ। हमें तुम पर विश्वास नहीं है, तुम चले जाओ। अरे नहीं, ये तो सच में डर गए हैं। मैं इनकी माँ को बुला के लाता हूँ। मिसेस शर्मा, मिसेस शर्मा। डरो मत, सब ठीक है, वो कुछ नहीं कर सकता। मम्मी कहाँ है? वापस क्यों नहीं आया अभी तक? बड़ी, छोटे, मम्मी वापस आ गई। बच्चों, लगता है हमारी मम्मी आ गई। बाहर आओ बच्चों, मम्मा आ गई। मम्मी, मम्मी, मेरे बच्चे। मम्मी, एक अजनबी तुम्हारा दोस्त बनकर आया था, पर हमने उसे घर में नहीं आने दिया। बिल्कुल सही किया। उसने मुझे कुछ खाने को भी दिया, लेकिन मैंने नहीं लिया। तुमने बहुत अच्छा किया बड़े, और तुमने भी मंगू। कैसे हो बच्चों? कोच डमरू, क्या जब आप आए थे तो आपने किसी अजीब से आदमी को देखा? अगर मैं सच कहूँ तो मैं ही वो अजीब सा आदमी हूँ। इसलिए कल तुमने सुरक्षा का लेसन पढ़ा था ना, इसीलिए कोच को इम्तिहान लेना था। सही कहा, और तुम सब मेरे इम्तिहान में बहुत अच्छी तरह से पास हुए। तुम सब ने बहुत अच्छा किया बच्चों। ऐसा हुआ था। और इस इम्तिहान को पास करने की खुशी में ये रहा तुम्हारा इनाम मेरे प्यारे बच्चों। चलो मजे करो। बहुत सारे। आराम से बड़ी। शुक्रिया कोच डमरू। ये बच्चों, कृपया याद रखना, अगर कोई तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे तो मम्मी पापा से बिना पूछे दरवाजा ना खोले, और अगर बड़े घर पर ना हो तब तो बिल्कुल भी मत खोलना। फिर मिलेंगे, बाय।